ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में मंदिर मस्जिद से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर हटाने की कार्यवाही को अधिवक्ताओं ने प्रतिनिधि मंडल के गैर कानूनी बताया है। बुरहानपुर के अधिवक्ताओं ने मंदिर और मस्जिदों से उतारे जा रहे लाउड स्पीकर को लेकर नाराजगी जाहिर की है। गुरुवार को अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि लाउड स्पीकर से होने वाली प्रार्थना और अनजान किसी प्रदूषण के क्राइटेरिया में नहीं आता है, उसी का उल्लेख करते हुए स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी गई कि लाउड स्पीकर हटाने का दबाव नहीं बनाए, अन्यथा वे इसके खिलाफ न्यायालय में अवमानना याचिका लगाएंगे। लाउड स्पीकर से जो अजान पढ़ी जाती है प्रत्येक मस्जिद में, बुरहानपुर एक ऐतिहासिक नगरी है जहाँ औरंगजेब का राज वगैरह हो करके और जब भी था औरों का भी, हिंदू शासनों का भी, शासकों का भी राज था, लगभग यहाँ 150 मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा फेमस गुरुद्वारा है, फेमस मस्जिदें हैं, शाही जामा मस्जिद और फेमस मंदिर भी है, और यहाँ की जनता बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहती चली आ रही है इतने सालों से, 50 वर्षों से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से नमाज के बाद, नमाज से पहले, नमाज के बाद अजान पढ़ी जाती है लाउड स्पीकर से। इसमें माननीय उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच का आदेश हो चुका है कि जो ये मस्जिदों से अजान पढ़ी जाती है लाउड स्पीकर से, ये ऐसी नहीं है जिससे मानव शरीर पर घातक हो या कुछ हो, और ये धार्मिक जो प्रार्थना होती है ये, इसके ऊपर जो बैन लगाने की मांग की गई तो उसको पूरी तरह खारिज कर दिया माननीय उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने। कुल मिलाकर के हमारा कहना यह है कि जनहित में, हमने लेटर जनहित में दिया है और इस तरीके से गैरकानूनी काम ना करें और ऐसे निर्देश दें अपने पुलिस प्रशासन। जो गुजरात हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि लाउड स्पीकर से होने वाली प्रार्थना अजान किसी भी प्रदूषण के क्राइटेरिया में नहीं आती है, इसलिए हमने उसी के संबंध में एक स्थानीय शासन को निवेदन किया है कि आप इस तरह के आड़ में जो स्पीकर को हटाने का दबाव बनाया जा रहा है या नहीं बनाए, अन्यथा हमें फिर इसके संबंध में हमें भी कोर्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।